टेस्ट राइट आज हम इसकी लेके रहेंगे। हुए और ये बहुत बढ़िया रफ्तार के साथ तो गाइस फाइनली अब मैं आ गया हूं इसके ऊपर। स्कूटी यस और ये एकदम चालू गाड़ी है और इस गाड़ी को हम आने वाले वीडियोस में कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में। तो अभी सबसे पहले हम इसका करने वाले हैं इंजन डिसमेंटल। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी हमने स्क्रैप से ख़रीदी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसमें सब चीज़ें ओके हैं। मैं आपको इसको चालू करके बता देता हूँ, गाड़ी बिल्कुल चालू है। आप देख सकते हैं कि लाइट भी चालू है इसकी। ब्रेक दबाइए, सब कुछ ऑन है, गाड़ी चल रही है हमारी। तो गाइस पूरा पेट्रोल हमने इसका ख़त्म कर दिया है। इसकी टैंक में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल हमने इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि अब हम करने वाले हैं इस गाड़ी के इंजन को डिसमेंटल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गाड़ी को अपसाइड डाउन मतलब पूरा उल्टा करने वाले हैं और उल्टा करने के बाद में फिर हम इसमें जो इसका जो शॉकअप है उसके लिए सेकंड शॉकअप के लिए जो माउंटिंग है वो इतनी ही डिस्टेंस पे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। स्विंग आर्म है वो लगा के चेक करेंगे। ये है हमारी स्विंग आर्म जो कि हमने टीवीएस स्कूटी ईएस के लिए जो श्रीयान इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ से ये बेसिकली हमें तो प्रमोशन के लिए मिल गई है, लेकिन आप चाहें तो आप श्रीयान इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये जो स्विंग आर्म है ये उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ये आप आसानी से खरीद सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डायरेक्ट आप फोन करके
अभी हमको ये स्विंग आर्म में गेम मिल चुकी है और अब हम इस स्विंग आर्म को लगाने वाले हैं हमारे जो स्कूटी, जिससे कि हमने अभी अभी इंजन को डिसेंबल किया है। तो और उसके बाद में हमने इसमें जो सेकंड सस्पेंशन है उसकी लिए भी जो माउंटिंग थी वो हमने बनाई थी। तो आइए इस गाड़ी को वापस से अब अपसाइड डाउन करते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसका एक्सीलेटर जो है इसको निकाल दिया है और चोक वायर भी यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ पर फिलहाल आज की इस वीडियो में इसमें जो इसका बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो उसको फिट करने के लिए प्रॉपर जगह देखेंगे और उसको फिट करेंगे। पहले हैं इसमें जो बैटरी लेवल मीटर होता है उसको इंस्टॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका मीटर कंसोल है और यहाँ पर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहाँ पर हम अपना जो बैटरी मीटर है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम इस वाले प्लास्टिक पैनल को खोलने वाले हैं और इनमें से एक मुझे सबसे अच्छी जगह यही लग रही है क्योंकि यहाँ पर ये देखने में भी आसान होगा और ऑपरेट करने में भी आसान होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसका जो पैनल है इसको हम खोल लेते हैं। ये मीटर बिल्कुल सही तरीके से लग गया है। स्कूटी ईएस की कन्वर्जन सीरीज में अभी तक हमने आपको इसका इंजन उतारना, जो स्विंग आर्म है उसको लगाना, मोटर माउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। किस तरीके से इसका जो पूरा कनेक्शन है इस की स्विच से आप ऑपरेट कर सकते हैं। भी बैटरी काफ़ी डाउन है, रेड पे आने पे ही है और फिर जैसे ही हम रेस देते हैं तो थोड़ी सी और डाउन हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये बैटरी मीटर इंडिकेटर का जो आज का वीडियो जिसमें मैंने किया था, आज के वीडियो में हम इसकी सभी लाइटों को LED में कन्वर्ट करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमें कितने बल्ब चाहिए होंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम हेडलाइट को छोड़ के बाकी सभी को एलईडी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेडलाइट एक अलग काम होता है, इसलिए भी हम उसको छोड़ेंगे। और हेडलाइट का यूज़ यूजुअली इतना बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो अभी और हमारे पास में अभी स्टॉक में भी नहीं है। दैट्स द रीज़न वाई हम अभी हेडलाइट को छोड़ के बाकी सभी को चेंज करने आ रहे हैं। तो फिलहाल हमें चार इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, दो आगे दो पीछे। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डबल फिलामेंट ब्रेक लाइट प्लस टेन लाइट बल्ब की। उसके बाद हमें डैशबोर्ड के लिए ज़रूरत पड़ेगी तीन अलग से एलईडीओ की, जिसमें कि एक इसके डैशबोर्ड स्पीडोमीटर के लिए होगी और बाकी दो इंडिकेटर्स के लिए होगी। तो आइए इनके लिए सबसे पहले हम एलईडी देख लेते हैं और उसके बाद में एक एक करके इनको इंस्टॉल करेंगे। जो इस तरफ के हैं इंडिकेटर, उनको हमें ऑन करना है। अभी चूंकि कोई भी डायरेक्ट इसमें कोई भी फिलामेंट बल्ब नहीं जुड़ा है, इसलिए थोड़ी सी इसमें ब्लिंकिंग इतनी क्लियर नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ के इंडिकेटर जलने लगे हैं। अब आइए अंदर चल के इसका ये जो इशू है हार्डवेयर टेबल पे, इसको फिक्स कर दें। फाइनली हमारे सभी जो एलईडीज़ हैं वो फिट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ये जो डैशबोर्ड की एलईडी है सब, और उसके साथ ही मैं बंद कर देता हूँ ये फ्लैश को। तो आप देख सकते हैं कि अब जो डैशबोर्ड है उस जो क्या कहूँ कि ओडोमीटर जो है उसका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इसके साथ ही साथ अब अगर यहाँ इंडिकेटर की बात की जाए तो इंडिकेटर भी बढ़िया दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ तो गाइज ये तो एक सिंपल सी मेथड थी जिसमें हमने आपको एलईडी को रिप्लेस करना बताया। अब इस एलईडी को रिप्लेस करने के बाद एक्चुअली आपको कितनी ज़्यादा पावर सेविंग मिलेगी एज़ कम्पेयर टू फिलामेंट बल्ब, आइए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवरऑल हम कैलकुलेट करने का टाइम आ गया कि अगर हम एलईडी का यूज़ करते हैं कन्वेंशनल फिलामेंट बल्ब की जगह पर, तो हमें क्या बचत मिलती है और उसका क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है। और ओवरऑल अगर इन सब का, ये जैसे कि तीन तीन वाट के बल्ब हैं, इनमें तीन तीन वाट
के ये जो फिलामेंट बल्ब है के बल्ब है इनके कंपैरिजन में अगर एलईडी को देखा जाए तो एलईडी मात्र 0.05 वाट की होती है। तो ऐसे कुल मिला के 3 एलईडी लगी हुई है तो कुल मिला के 0.15 वाट उसका जुड़ गया, तो 63 से ये हो गया 64, 64.5 मतलब कुल मिला के 0.1 एम्पियर से भी टोटल लोड जो बन रहा है वो हमारा 1 एम्पियर से भी कम बन रहा है। अब अगर इसमें हेडलाइट का 35 वाट का 35 वाट एग्जैक्टली जोड़ दिया जाए तो लगभग 3 एम्पियर करंट वो बन रहा है। अगर 3 एम्पियर के साथ में इसके 0.6 एम्पियर भी जोड़ दिया जाए तो 3.6 एम्पियर का टोटल लोड एलईडी के साथ में पड़ने वाला है और वो सीधे पड़ने वाला है हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में डायनोमो होता नहीं है, इंजन होता नहीं है, सीधे या तो बैटरी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और फिलहाल जो हमने कन्वर्टर यूज़ किया वो 3 एम्पियर का और साथ में एक बैटरी भी जोड़ रखी हुई है। तो कुल मिला के इस तरीके से एम्पियर के कंपैरिजन में अगर हमारा काम सिर्फ 3 एम्पियर में हो रहा है तो इसको एक बेस्ट डील माना जा सकता है। इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी आपकी गाड़ी में ओवरऑल कम होगा और चूंकि लोड कम पड़ेगा इसलिए स्विचेस, एसेसरी और जो वायरिंग लूम है उन सब की भी लाइफ कहीं ना कहीं बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो BLDC कंट्रोलर होता है उसको, उसकी वायरिंग आपको बेसिकली बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारी वायरिंग आप अपनी जो स्कूटर है जो कि अब कन्वर्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस उसमें बैटरी पैक और कंट्रोलर लगाना बाकी है, वो किस तरीके से किया जाए। ड्राइव के लिए, टेस्ट राइड के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि अभी हमने ये जो कनेक्टर है इसको लगा के कुछ देर इसको चार्ज भी किया है ताकि हम इससे थोड़ी लंबी ड्राइव भी ले सकें और कंट्रोलर भी ओके है, सब कुछ हमारा टेस्ट किया हुआ है। जो ब्रेकिंग वाला सिस्टम था वो भी फ़िलहाल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा था, इसलिए भी हमने उस चीज़ को स्किप कर दिया है। फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव, टेस्ट राइड आज हम इसकी ले कर रहेंगे। ये क्या है, ये निकाल दिया है मैंने।
अब हमारे टेस्ट पायलट बिल्कुल सामने देख आप देख सकते हैं गाड़ी के साथ में जूझ रहे हैं और अब तैयार है हमारी टीवी स्कूटी। ये इसका की है, सारी फंक्शन ऑन है, सब कुछ ऑन। तो गाइज एक बार फिर अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट पायलट आ रहे हैं गाड़ी को तेजी से लेते हुए। और ये बहुत बढ़िया रफ्तार के साथ फाइनली अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर और आप देख सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक जो है बढ़िया चल रही है। तो हम इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, घर के आसपास में ही हमें इसकी जो टेस्टिंग की वीडियो है वो कंप्लीट करनी है। और चूंकि इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी ख़राब है तो हम इसकी जो फाइनल स्पीडिंग है उसकी वीडियो, उसकी जो फाइनल कितनी तेज चल रही है इसका आपको भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो कंट्रोलर और मोटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से लगभग 35 की स्पीड में इसको चलना चाहिए। ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको टीवी स्कूटी का जो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन है उसकी जो फाइनल टेस्टिंग है करके बताई। इसके अलावा अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है इसमें कई एक दो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि इसका जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर हमें काम करना है। और इसके अलावा इसमें कुछ दो तीन एडवांस फंक्शन जैसे कि एंटी थेफ्ट और ऑटो रिचार्ज, ब्रेक दबाने पर इसमें रिचार्जिंग की फैसिलिटी, और इसके अलावा इसमें ब्रेक दबाने पर कंट्रोल जो लो लेवल ब्रेकिंग है उसके कनेक्शन भी करना अभी इस वीडियो में बाकी है। तो वो एक एक करके वो सारी चीज़ें हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द